नमस्ते दोस्तों, आप लोग के बीच फिर से हाजिर हैं और एक नए वीडियो को लेकर के। और आज हम लोग बात करेंगे एक टैबलेट के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव है। देख सकते हैं, इसका नाम है एक्सपेन प्लस इट, जिसको कि बीई यहाँ पे देख सकते हैं। ये जिस जो मेडिसिन इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करता है उसका नाम है, उस कंपनी का नाम है बीई। इस नाम से जो है एक्सपेन प्लस के नाम से आता है, एक्सपेन प्लस एट के नाम से टैबलेट ये आता है। और देख सकते हैं ये सैंपल का मेडिसिन है मेरे पास, फिजिशियन सैंपल नॉट टू बी सोल्ड। ये बेचने के लिए नहीं दिया जाता है, ये आपको सैंपल में दिया जाता है अपने खुद के यूज़ के लिए, अपने फैमिली में यूज़ के लिए। या अगर आप पेशेंट को भी देते हैं तो आप दे सकते हैं इसको, बट इसकी जो है पैसा आप नहीं लीजिए पेशेंट से। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन का बात कर लेते हैं। थायोकॉल कीकोसाइड इसका जो कंपोजिशन है, थायोकॉल कीकोसाइड एसिक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल। तो आप लोग जानते होंगे एसिक्लोफेनेक जो है पेन में यूज़ किया जाता है, और थायोकॉल कीकोसाइड एक मसल्स रिलैक्सेंट एजेंट है जो कि मसल्स को रिलैक्स करता है। कहीं भी अगर सूजन है तो वहाँ पे मसल्स के सूजन को कम करने का काम करता है। साथ ही पेन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब सूजन और दर्द में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट देखा गया है। अलग अलग नामों से थायोकॉल कीकोसाइड एसिक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल अलग अलग फार्मेसी के द्वारा बनाया जाता है। इसको जैसे बी फार्मा ने बनाया है तो सेम दवा को जो है एरिस्टो भी बनाता है, एल्केम भी बनाता है, और भी बहुत सारे मेडिसिन को अलग अलग कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करता है इस मेडिसिन को। बाकी जो उसका सॉल्ट नेम है, मेडिसिन का जो सॉल्ट नेम है वो है थायोकॉल कीकोसाइड एसिक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल। तो इसका जो काम है वो मसल्स रिलैक्सेंट, थायोकॉल कीकोसाइड जो है वो मसल्स रिलैक्सेंट का काम करता है। कहीं पे भी अगर सूजन आ गया हो मसल्स में तो उसको सूजन को कम करने का काम करता है, साथ ही दर्द को भी कम करने का काम करता है, ठीक करने का काम करता है। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव टैबलेट्स में से एक है। और इस टैबलेट को जो है आप प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं दे सकते हैं। और इस टैबलेट को आप किन्हीं को अगर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से आप ज़रूर सलाह ले लें फिर आप इसको यूज़ करें, या फिर डाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के जो है इस मेडिसिन को यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो है आपको हानि पहुंचा सकता है। तो इसीलिए कोई भी एलोपैथ के मेडिसिन को आप कहीं से भी वीडियो से देख के या गूगल से देख के सर्च करके आप जो है उस मेडिसिन का सेवन खुद से ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार हो सकता है, आपको परेशानी पहुंचा सकता है, आपको हर्ट कर सकता है। इसलिए जो है आप किसी भी मेडिसिन को यूज़ करें तो आप एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें, अपने कंडीशन को आप बता दें, फिर आप मेडिसिन को उस मेडिसिन को यूज़ करें तो बेस्ट रहेगा। तो ये जो है आप देख सकते हैं, ये जो है मेडिसिन ये ज़्यादातर पेन में यूज़ किया जाता है, दर्द में, घुटनों के दर्द में, कहीं पे जोर में पेन है, जोरों के दर्द में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। कहीं पे भी दर्द है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेट दर्द को छोड़ के, जैसे मतलब जॉइंट पेन में, कहीं भी जॉइंट पेन है तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। चोट लग गया वहाँ पे, सूजन हो गया तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिलेगा। सर्वाइकल का पेन है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। घुटना में गठिया का पेन है, सटीका जिसको हम लोग बोलते हैं उसका पेन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिलेगा आपको, रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अलग अलग ब्रांड नेम से ये मेडिसिन अवेलेबल होता है मार्केट में। ये है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड का, अलग अलग कंपनी के नाम से आता है ये, कोई एरिस्टो, कोई एल्केम, कोई मैनकाइंड, बहुत सारे कंपनी इस मेडिसिन को बनाता है, जिसका कि कंपोजिशन है थायोकॉल कीकोसाइड एसिक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल। कंपोजिशन अगर देखिएगा किसी मेडिसिन का सेम है तो समझ जाए कि एक ही मेडिसिन है, बस कंपनी अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मेडिसिन है, रिजल्ट इसका अच्छा देखा गया है। तो उम्मीद करते हैं इस थायोकॉल कीकोसाइड एसिक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल मेडिसिन के बारे में जो है आपको कंप्लीट एक अच्छा सा जानकारी मिला होगा। सीधी सी बात आप समझ लें, जॉइंट पेन में इसको आप यूज़ कर सकते हैं, सूजन में यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे चोट लगने के बाद सूजन हो गया हो उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिलेगा। एक्सपेन
+8। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।